पहले दिन करते हैं, सेकंड मेडिकल रीजंस की वजह से भी करते होंगे, जब माँ आई हुई है, बच्चा भी यहाँ है, अब माँ जाने से पहले अगर हो जाए खतना तो हील होके चला जाएंगे घर, क्योंकि देखिए वहाँ का समाज और माशरा बहुत मुख्तलिफ है हमारे माशरों से, इतने आसानी से डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं, सर्जरी वगैरह के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है उनकी, बस मानो सर्जरी करना है तो बहुत लंबा प्रोसेस, हमारे जैसा नहीं कि एक ही डॉक्टर देखता है, एक ही डॉक्टर दवा देता है, एक ही डॉक्टर ऑपरेशन भी कर देता, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता, फार्मासिस्ट दवा इशू करता, सर्जरी एक अलग डॉक्टर करेंगे तो बहुत लंबा होता है, तो यहाँ क्या होता है एक ही साथ पूरा पैकेज बना, बच्चे की पैदाइश लड़का होगा तो खतना इंक्लूड है, बल्कि ऐसे हॉस्पिटल्स भी होते हैं आप अगर जानते हो गल्फ वगैरह में, खासतौर से रास अल खैमा एक एरिया है यूएई का, वो हॉस्पिटल्स के लिए मशहूर है, वहाँ पूरे पैकेज होते हैं, मतलब सादा पैकेज, डिलक्स पैकेज, सुपर डिलक्स पैकेज, ऐसे पैकेज होते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, बच्चे की विलादत नॉर्मल या सीजेरियन, लड़के की खतना, झूला, खिलौने, और बच्चा पैदा होगा तो मिठाई भी हॉस्पिटल बांटता है, हर आने वाले खिलाएंगे, तो पैकेजेस होते हैं उनके, मिठाई के टाइप्स कौन से होंगे, तो हर चीज़ हॉस्पिटल करके आप आए, दाखिला लिया और घर चले गए, कुछ नहीं करना है, वो सब करते हैं आपके लिए, है ना, आपके बच्चे के छोटे कपड़े भी उनकी तरफ से, पैकेजेस होते हैं उनके पास, ऐसे हॉस्पिटल्स ही है, सब करते हैं हम लोग, ताकि आप सिर्फ आओ, जैसा उनके पास मैयत का मामला है ना, मैयत मर गई, फ़ोन करना है आपको, गवर्नमेंट आएंगी एजेंसी उसे ले जाएंगी, कहाँ ले जा रही है आपको बताया जाएगा, आप वहाँ पहुँच सकते हैं, चाहे तो आप गुस्ल दे दें वरना वो गुस्ल देंगे, नमाज जाना चाहे आप पढ़ा दिया तो उनका इमाम पढ़ाएंगा, तो कब्रस्तान आप पहुँच जाओ, वो लेकर लाश को पहुँच जाएंगे, तकफीन आपके सामने कर देंगे, क्योंकि बॉडी जैसे इंसान मर गया वो स्टेट की प्रॉपर्टी बन जाता है, समझा, तो लिहाजा उन्होंने पैदाइश में पूरा एक पूरा पैकेज बना दिया, पैदाइश वगैरह सारी चीज़ें, तो ये सब इंक्लूडेड होता है, तो बार बार अपॉइंटमेंट्स नहीं, तो एक वहाँ के माहौल हालात भी देखना पड़ेंगे, लिहाजा बहरहाल वहाँ एक सिस्टम है और वो लोग पैदा होते बहरहाल उसको कर देते हैं। किसी ने सवाल किया।